आज के लेक्चर में हम लोग एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि जी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ O2 ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट बनता है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना मास होगा कि वो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम और या 24 ग्राम। अब इसके फाइनल आंसर पे आने से पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। अच्छा देखें, ये मैंने ना आपके सामने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो Al2O3 बनता है और हमने एट द एंड इक्वेशन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब इक्वेशन को देखें आप, इक्वेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल Al2O3 बनते हैं, ठीक है, इक्वेशन हमें ये बता रही है। तो जो आपको मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो वो है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, 27 ग्राम, ठीक है। मीन्स के क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब एल्यूमिनियम का 1 मोल होगा तब ऑक्सीजन का कितना मास होगा, ठीक है। इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जब एल्यूमिनियम के 4 मोल हैं ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 3 मोल रिएक्ट करते हैं। अब हमने एल्यूमिनियम के 1 मोल के लिए देखना है, ठीक है। अब आप देखें कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 27 ग्राम के इक्वल हो गया, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम हो गया, जबकि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ O2। ये इक्वेशन बता रही है आपको, ठीक है, कि जब एल्यूमिनियम के 4 मोल्स होते हैं तब ऑक्सीजन के 3 मोल्स होंगे, लेकिन हमारे पास 4 मोल नहीं हैं एल्यूमिनियम के, हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए हमने, 1 मोल एल्यूमिनियम जब होगा आपके पास तब आपने कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का मास। तो हम लोग पहले ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इक्वेशन से वो ये है कि 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 4 को कैंसिल करके 1 आ गया और यहाँ पर 3/4 आ गया, जो कि 0.75 मोल्स बनते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे मोल्स नहीं पूछा गया ऑक्सीजन के, मास पूछा गया है। तो जब आपके पास मोल्स और मास का जिक्र हो रहा होता है तब आपके पास, आपके माइंड में एक फार्मूला आता है कि मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, और आपने मास कैलकुलेट करना है तो मास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो जी मास कितना हो जाएगा 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का, कि मोल्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे मोलर मास से, तब आपके पास जो मास आ जाएगा ऑक्सीजन का वो 24 ग्राम आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो इसका ऑप्शन हो गया वो डी हो गया, ठीक है। दोबारा से देख लें कि मोल्स का आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो मास ऑफ द सब्सटेंस है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर मोल्स के साथ आकर क्या हो जाता है,
मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने यही वाला फार्मूला यूज़ किया कि मास ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। O2 एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होता है मोलर मास, जबकि अगर आप O2 की बात करें तो 32 ग्राम पर मोल होता है ऑक्सीजन का मोलर मास। ठीक हो गया, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।